तो ना आज हम बनाने वाले स्वीट कॉर्न वाली मैगी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। इसके लिए एक मिनी कढ़ाई लिया है मैंने, उसमें थोड़ा सा बटर डाला है, उसे मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया जब तक वो पूरा मेल्ट ना हो जाए। जब वो पूरा मेल्ट हो जाए उसके बाद सारे वेजीज जो भी हमारे पास है, कैप्सिकम, अनियन, और मैंने स्वीट कॉर्न भी डाला है। मेरे पास चीज़ नहीं था, मेरे पास स्वीट कॉर्न था तो मैंने वही डाला है। इसे 30 to 40 seconds के लिए सौते करेंगे जब तक इसका थोड़ा जो टेक्स्चर है वो चेंज ना हो जाए। थोड़ा सा सॉस डालेंगे, जब वो टेक्सचर चेंज हो रहा होगा उस बीच में सॉस डालेंगे, उसके बाद फिर से सॉटे करेंगे 30 to 40 seconds के लिए। उसके बाद अप्रोक्स 1 cup पानी डालना है। इसके लिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा, पानी डालने के बाद जो मैगी के अंदर टेस्ट मेकर आता है वो टेस्ट मेकर को फाड़ के अच्छे से उसके अंदर का सारा इन्ग्रीडियंट्स उस पानी में डालना है। जब वो पानी बॉयल हो रहा होगा, इस बीच में जो आँच है वो मीडियम फ्लेम का रहेगा, वो जब टेस्ट मेकर डाल दिए उसे फिर से स्टर करना है ताकि सारा मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद फिर जो मैगी है उसे लेना है, उसके केक को, क्योंकि मेरे पास मिनी कढ़ाई है तो वो पूरा केक एक बार में नहीं अटेगा, तो उसे मैंने 2 parts में डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया ताकि वो आसानी से उसमें अट जाए। तो मैंने तोड़ा उसको, उसमें डाल दिया, फिर इसे स्टर करना है जब तक वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए। मैं यहाँ पे तोड़ने का कोशिश कर रही थी। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, थोड़ा सा बॉईल हो गया है। सारा वेजीज भी कुक हो गया। उसके बाद जो मैजिक मसाला होता है मैगी का वो डाला है, बहुत थोड़ा सा बस टेस्ट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी टेस्ट मेकर पानी में डाल चुकी थी।